आबू रोड रिको पुलिस द्वारा 26 चोरी को अंजाम देने में माहिर वैसे गैंग के चार जितने अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की है। आबू रोड रिको पुलिस द्वारा 26 जितनी चोरी को वारदात में अंजाम देने में माहिर वैसी गैंग का पर्दाफाश करते हुए अपराधियों को धर पकड़ा गया है। जहां आबू रोड रिको पुलिस द्वारा 26 चोरी की वारदात को अंजाम देने में माहिर वैसी गैंग का पर्दाफाश करते हुए प्रशंसनीय कामगिरी की है। सिरोही जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सिरोही SP हिम्मत अभिलाषा टॉक के आदेश अनुसार अलग अलग टीम गठित की गई थी, तो आखिरकार चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने में माहिर वैसे अपराधियों को धर पकड़ते हुए आबू रोड रिको पुलिस द्वारा गोवाराम पिता भूताराम, महेश कुमार ललसाराम, दिनेश कुमार सिंगाराम तथा धर्माराम सोमाराम की गिरफ्तारी करते हुए 26 चोरी का भेद खोला है। जहां पुलिस ने अंबाजी रिछड़िया महादेव और कोटेश्वर महादेव मंदिर महंत पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को ये अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस ने अन्य 26 चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने के साथ और गुनाहों का भेद खोलने की दिशा में कार्यवाही जारी की है। आबू रोड रिको थाना पुलिस एवं आबू रोड सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बड़ी गैंग को दस्तयाब किया गया है। गैंग का मुख्य सरगना गोवा ग्रासिया, उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर बरामद की गई है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शेष गैंग के 6 सदस्य और हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। पूरी गैंग ने अब तक 26 वारदातें करना स्वीकार किया गया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।